the day. Good morning, beautiful. Grab your coffee and be on your way. CSIR जून 2018 प्री एग्जाम का पार्ट 10 है तुम्हारा ये। हालांकि बहुत लोग इस टाइम दर्द में भी होंगे यार। अरे छोड़ो इस दर्द वर्ड को भाई, जून के एग्जाम को देखो, अब जो बीत चुका है सो बीत चुका है। हमेशा चॉइसेस वो होने चाहिए जो तुम्हें कुछ दे के जाएं। भला इस टाइम रोने पीटने से क्या होने वाला है, जब एग्जाम सिर पे आ चुका है तो कम से कम अभी बचे हुए दिनों में जो गलतियां अभी तक की थी वो गलतियां अब तो नहीं करो, सीख लो और अपने अंदर एक एबिलिटी पैदा कर लो लर्न करने की। भाई डिप्रेस होने से तो लड्डू मिलने वाले हैं नहीं। एक मौका तुम गवा चुके हो, दूसरा मौका गवाने के कगार पे हो, तो उससे बढ़िया ये है अपनी गलतियों को सुधार करके अब कम से कम बचे हुए दिनों में जो बढ़िया एफर्ट कर सकते हो और वो कर लो। और मत बोलो ये कौन सा कुंभ का मेला है, हर 6 महीने में आता है यार। जून का जाएगा तो दिसंबर का भी तो सिर पे आ रहा है, अब दिसंबर की भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। देखिए हम सबके अंदर दो तरह के लोग हैं, अच्छे भी और बुरे भी। जब भी हम कभी कोई काम करना चाहते हैं तो मेरा एक मन बोलता है कि काम कर लूं, तो मेरा दूसरा मन आलस और डर ये भी बोलता है कि पता नहीं यार करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, मेरे बस की है या नहीं, किसके ऊपर हम डालेंगे अपनी असफलताओं का जिम्मा। जब कोई मिल जाता है कि भाई उसको ब्लेम कर देंगे तो हम लोग ट्राई कर लेते हैं आंख बंद करके, फेल हो गए तो बोल देंगे वो था जिम्मेदार, उंगली उठाने में हम लोग आगे रहते हैं ना। इंडियन जितने भी एग्जाम के रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट और तुम्हारे बीच में हमेशा तुम ही होते हो। जब तक तुम अपने इस बुरी वाली प्रवृत्ति को हटाते नहीं हो ना, रिजल्ट कन्वर्ट नहीं होते। लाइफ में जितना भी अंधेरा छाया हुआ है, ये अंधेरा अंधेरा ही रहता है। कई बार उम्मीदों के दिए आते भी हैं अंधेरे को भगाने के लिए, तो हम आंखें बंद करके अंधेरे में बैठना पसंद करते हैं क्योंकि वो आसान है। मेहनत करने में मेहनत लगती है और मेहनत से तो हम सब लोग बचते हैं यार। इसलिए ज्यादातर बार हम लोग यही डिसाइड करते हैं, रो लेंगे यार, मेहनत करेंगे तो फिर जिंदगी बदल जाएगी ना, सब लोग हमारे लिए अच्छा अच्छा बोलना शुरू कर देंगे, और भला ऐसे कैसे हो सकता है। एग्जाम इतने पास आ चुका है कि अब तो दिखना भी शुरू हो गया है वो दिन वो पल कि बस सामने ही वो टारगेट रखा हुआ है। वक्त है तैयार होने का, अपने मेंटल को रेडी करने का, हाई फ्लाई के साथ शॉर्ट एक्यूरेट फास्ट और एफिशिएंट तरीके से सीखने का कि क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करते हैं, ताकि जिंदगी में एक नई उमंग आ सके, एक ऐसी रोशनी जो सारे अंधकार को भगा दे और उम्मीदों से भरपूर हो हमारे आने वाले दिन। जैसा हम चाहें लाइफ को हम वैसा जी सकें। अब टीसे की बात कर लो, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकिल में से एक है, सेंट्रल हब ऑफ मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम ए को जहां ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, तो यहीं से बहुत सारे रास्ते निकलते हैं जो अमीनो एसिड्स बनाते हैं या न्यूक्लियोटाइड्स, यहां तक कि हमारे हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला पोरफायरिन रिंग का भी स्टार्टिंग यहीं से। लिपिड की सिंथेसिस, अमीनो एसिड की सिंथेसिस, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रोल है वो है एनर्जी प्रोवाइड कराना। इस साइकिल में कम से कम 3 जगह से मुझे NADH बनते हुए दिखाई देते हैं, और NADH का मतलब है भाई बाल्टी भरी हुई है इलेक्ट्रॉन से, दो दो इलेक्ट्रॉन हर बाल्टी के अंदर है और उनमें है एनर्जी। यही NADH और FADS2 माइटोकॉन्ड्रिया के रेस्पिरेटरी चैन में जाते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, प्रोटॉन की पंपिंग होती है, प्रोटॉन ग्रेडिएंट बनता है, प्रोटॉन मल्टीफोल्ड जनरेट होती है और उसी से F1 पार्टिकल ATP जनरेट करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि NADH का मतलब होता है ATP, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। तो यहां मुझे डायरेक्टली GTP मिलता है जिसे बाद में ATP में कन्वर्ट कर सकते हैं। हालांकि कुछ स्पीशीज या कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो GTP डायरेक्ट बनाते हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो ATP बनाते हैं। अब ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए है कि कौन सा क्या बनाता है। इस साइकिल में बहुत सारी बातें हैं, आयरन सल्फर क्लस्टर वाली कहानियां, लोकेशन वाली कहानी, ये कहानी है तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की। लेकिन इस टाइम जो तुम्हें याद रखना है, एक बार TCA चली तो एक एसिटाइल कोएंजाइम में 2 CO2 में कन्वर्ट होगा, साथ में 3 NADH, 1 FADS2 और 1 ATP या GTP जैसा मॉलिक्यूल देके जाएगा। तो क्वेश्चन भी यही था, द एनर्जी रिच फ्यूल मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड इन द TCA साइकिल आर। अब यहाँ क्या क्या मिलता है मुझे, यहाँ मिलते हैं मुझे 3 NADH, 1 FADS2 और 1 GTP जो बाद में ATP में भी कन्वर्ट होता है। अगर ऑर्गेनिज्म का नाम चेंज कर दूं मैं या पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का नाम दे दूं, तो यहाँ GTP की जगह पर ATP भी हो सकता है, बट ये 3 NADH और 1 FADS2 हमेशा ऐसे रहेंगे एक TCA साइकिल में। अकल तो इतनी भी होनी चाहिए कि क्वेश्चन में कोई तुमसे ये पूछ ले कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से अल्टीमेटली TCA से कितना जनरेट हुआ, तुम कैलकुलेट कर पाओ, या फिर एक पामिटेट से। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर था 3। अब है क्वेश्चन नंबर 23, ग्लिसरॉल इज एडिड टू प्रोटीन सॉल्यूशन टू स्टेबलाइज द प्रिपरेशन ऑफ। देखिए जब हम लोग प्रोटीन को प्यूरिफाई कर रहे होते हैं तो ग्लिसरॉल के कई स्टेप्स आते हैं, और ग्लिसरॉल बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स में से एक है प्यूरिफिकेशन में। द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन इन एक्वस सॉल्यूशन इज रूटीनली एनहांस्ड बाय कोसॉल्वेंट जैसे कि ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल एक सॉल्वेंट है, तुम्हें याद होगा ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल पर 3 OH होते हैं और ये पानी के मॉलिक्यूल की तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। जब कभी हम लोग प्रोटीन को किसी ग्लिसरॉल सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये OH बॉन्ड उस प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करके उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं,
जैसे कि पानी का मॉलिक्यूल प्रोवाइड कराता है। देखिए प्रोटीन तभी काम करते हैं जब फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट प्रेजेंट हो, जैसे कि हमारे सेल के अंदर वहां पे पानी अवेलेबल है। लेकिन टेस्ट ट्यूब में इसी कंडीशन को मेंटेन करने के लिए हम ग्लिसरॉल का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा विस्कोसिटी बढ़ाता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है कि यह सॉल्वेशन करता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये एक सॉल्वेंट है। तो क्वेश्चन सामने है, ग्लिसरॉल इज एडेड टू प्रोटीन सॉल्यूशन टू स्टेबलाइज द प्रिपरेशन ऑफ। पहला है इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन। विस्कोसिटी बढ़ाता है, लेकिन उसका विस्कोसिटी बढ़ाने का यहां रोल है नहीं। पीएच को स्टेबलाइज करने के लिए हम हिस्टिडीन जैसे अमीनो एसिड का इस्तेमाल करते हैं। प्रेफरेंशियल हाइड्रेशन ऑफ प्रोटीन, हाँ जी ये बात है कि खास तौर से प्रोटीन को हाइड्रेट करने के लिए कि वो अपनी कंफर्मेशन में रह सके, ये वाला काम है इसका। इंटरेक्टिंग एंड न्यूट्रलाइजिंग द सरफेस चार्ज ऑन द प्रोटीन, चार्ज न्यूट्रलाइज करने के लिए मॉलिक्यूल के पास खुद के पास चार्ज होना चाहिए। ग्लिसरॉल कोई चार्ज नहीं है, वो एक पोलर मॉलिक्यूल है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड है जो इसका बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 26, मेटाक्रोमेटिक ल्यूकोडिस्ट्रॉफी MLD इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ एराइल सल्फेटेज ए एंड अफेक्ट द CNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है और जो एंजाइम यहां गड़बड़ है वो है एराइल सल्फेटेज ए। अब MLD की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, हालांकि दर्द भरी है, प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर के साथ संबंधित है। देखिए सल्फेटाइड जितने भी होते हैं उन्हें मॉडिफाई करके गैलेक्टोसेरेब्रोसाइट्स बनाने के लिए जो एंजाइम चाहिए, जिस एंजाइम का नाम हमने क्वेश्चन में भी देखा एराइल सल्फेटेज ए, ये एंजाइम अगर खराब हो जाए तो ये बीमारी होती है MLD। ये सारी कहानी है गैंग्लियोसाइट्स के डिग्रेडेशन की। गैंग्लियोसाइट जो कि आपके न्यूरॉन्स में माइलिन शीथ की मेम्ब्रेन में लगे होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं, जहां ये न्यूरॉन के एक्सोन को अल्टीमेटली इंसुलेशन प्रोवाइड कराने में काम करते हैं, तो ये और भी बहुत सारे काम करते हैं। इसलिए अगर इनमें डिफेक्ट्स हुआ तो नर्वस सिस्टम पे बहुत बुरा फर्क पड़ता है। हमारा ब्रेन और हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स के मिलजुल के बना हुआ है और न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस के लिए माइलिन के शीथ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और अगर ये शीथ ढंग से ना बनी तो नो डाउट हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट पड़ने वाला है। इसलिए MLD बीमारी के अंदर ये सब दिक्कत आती है। दूसरी कहानी ये भी है कि जो डिग्रेडेशन है इन मॉलिक्यूल्स का, जिन्हें हम बोल रहे हैं गैंग्लियोसाइट्स, इनका डिग्रेडेशन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल के अंदर होता है, और ये है लाइसोसोमल। लाइसोसोमल एंजाइम्स ये काम करते हैं कि वक्त पड़ने पर हमारे गैंग्लियोसाइट्स को डिग्रेड भी करते हैं। तो इसलिए इस बीमारी में जो डेफिशिएंसी है वो लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर के रूप में। माइटोकॉन्ड्रिया की कहानी या नहीं है, माइलिन शीथ की कहानी है, लेकिन माइलिन शीथ का लॉस नहीं, माइलिन शीथ तो मौजूद है लेकिन उसे कंपोनेंट जो है वो ढंग से नहीं बन रहे। कॉज्ड बाय डिफेक्ट इन प्रोटीन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप की भी स्टोरी नहीं है, ये माइलिन शीथ की यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कहानी थी। तो इसलिए इसका आंसर है नंबर 1। और वैसे भी हमेशा याद रखना चाहिए कि जब भी हम गैंग्लियोसाइट के डिग्रेडेशन की बात करें तो लाइसोसोम्स की कहानी तो आनी ही है। क्वेश्चन नंबर 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। हम बीटा ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं। लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया, फैटी एसिड बायोसिंथेसिस अकर इन पेरोक्सिसोम्स, पेरोक्सिसोम्स यूटिलाइज H2O2 टू ऑक्सीडाइज द वैरायटी ऑफ सब्सटेंस, पेरोक्सिसोम्स इंपोर्ट देयर रिपर्टोयर ऑफ प्रोटीन्स यूजिंग सॉर्टिंग सिग्नल्स। क्वेश्चन हो सकता है तुम्हें लगता हो कि ये डेप्थ नॉलेज मांग रहा है, लेकिन कभी कभी कुछ फंडामेंटल नॉलेज भी काम करती है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सिसोम दोनों ही जगह पर फैटी एसिड का कैटाबॉलिज्म देखने को मिलता है, बीटा ऑक्सीडेशन दोनों जगह होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेटरी चैन है, तो यहां से निकले हुए FADS2 या NADH रेस्पिरेटरी चैन से ATP बनाने में हेल्प करते हैं, क्योंकि जो भी एस्टाइल कोएंजाइम आता है यहां पे वो सिट्रिक एसिड में भी जाएगा यही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स में, और अपनी अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन को गंवाएगा NADH के पास, जहां से बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके हमें ATP मिल जाते हैं। लेकिन पेरोक्सिसोम में क्योंकि ये कहानी है नहीं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन की, तो इसलिए यहां से एस्टाइल कोएंजाइम बाहर जाता है और ये NADH वगैरह को यहां यूटिलाइज करने के लिए सिस्टम नहीं है। H2O2 की स्टोरी यहां पर अवेलेबल है, लेकिन कहानी ये नहीं है वो जो फंडामेंटल मांगी जाती है। देखिए जब भी हम लोग सेल की बात करते हैं तो सेल में न्यूक्लियस है, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हैं, और प्लस साथ में गोल्जी बॉडीज हैं और माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह भी हैं। क्वेश्चन ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी रिएक्शन होती है, तो साइटोसोल में कौन सी रिएक्शन होती है। याद रखना हमेशा हमारी सेल का रूल है ये कि जहां बनता है वहां टूटता नहीं है, फंडामेंटल रूल। जो चीज जहां बनती है वहीं पर टूटती नहीं है, या फिर ये कह दो कि जहां टूटती है वहां बनती नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया में और पेरोक्सिसोम में लिपिड्स टूटते हैं तो बनेंगे नहीं, बनने की जो रिएक्शन है वो साइटोसोल में। और क्वेश्चन इसी को लेकर था, पूछा हुआ है नॉट ट्रू, फैटी एसिड की बायोसिंथेसिस पेरोक्सिसोम में होती है, ये बात गलत है, ये साइटोसोल में होने वाली कहानी है। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है। ग्लाइकोकैलिक्स, एनिमल सेल्स के बाहर पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर, ये कह दीजिए कि आपकी सेल वॉल की तरह का है, ये सेल वॉल है नहीं लेकिन सेल वॉल की तरह होता है, जो आपके सेल की मेम्ब्रेन को प्रोटेक्शन भी देता है और कई तरह के और भी काम करता है, जिनमें से एक है एडहेरेंस, चिपकना। तो फिम्ब्रिया
बैक्टीरिया के सरफेस पे पाया जाने वाली चीज है। पिलाई भी बैक्टीरिया की कहानी है। पेप्टाइडोग्लाइकेन तो तुम्हें याद ही होगा, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, नेग नेम की स्टोरी, और ये सेल वॉल है। तो तुम्हें पता है कि ये ठीक है, ये ठीक है। हो सकता है ये वाली बातें याद ना हो, ना भी याद हो तो ये डायग्राम देख लो। जितने भी लंबे लंबे छोटे छोटे फाइबर निकले हुए हैं, ये फिम्ब्रिया है। इनका काम है बैक्टीरिया को अटैचमेंट प्रोवाइड कराना सरफेस के साथ जहां भी अवेलेबल है। खास तौर से बहते हुए पानी में बैक्टीरिया को पत्थरों से चिपकाने में बड़ा काम आता है। तो तुमने ये भी पढ़ रखा है कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए ट्रांसफर हो सकता है, और ट्रांसफर करने के लिए जो प्रोसेस थी उसका नाम था कंजुगेशन। जब बैक्टीरिया जुड़ते हैं आपस में, और कंजुगेशन करने के लिए पिलस की फॉर्मेशन बहुत जरूरी है। तो पिलस अटैचमेंट टू द सरफेस के साथ काम नहीं आता। प्लस है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल के लिए, कंजुगेशन के लिए ये भी ठीक है। फिम्ब्रिया मोटिलिटी के लिए नहीं है, मोटिलिटी के लिए तो फ्लैजेला होते हैं। फ्लैजेला है जो मूव कराते हैं, इंडिड फिम्ब्रिया तो रुकवा देते हैं, बहते हुए पानी में पत्थरों के साथ चिपकने में हेल्प करते हैं। इसलिए ये था जो नॉट ट्रू है। ऐसे ही काफी सारे क्वेश्चन हमारी कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन को टेस्ट कर रहे होते हैं। अब तुमने ये भी नोटिस किया कि तुम्हें लगता है कि ये क्वेश्चन जो है किसी एक टॉपिक का है, जहां ये वाला क्वेश्चन का पार्ट मेरा ECM से आता है या सेल सेल इंटरेक्शन से, तो ये वाली कहानी बैक्टीरिया की नॉर्मल कहानी से, और ये मेरे जेनेटिक्स की भी कहानी है बैक्टीरिया में। तो पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल टिपिकल माइक्रोबायोलॉजी क्वेश्चन है। इंटरनेट में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें हर ऑप्शन के अंदर कहीं ना कहीं कोई एक टॉपिक से बात निकाल के लाई गई है। इसलिए किसी एक टॉपिक को पढ़ के ये सोच लेना कि इस टॉपिक में से मैं कोई भी क्वेश्चन कर लूंगा, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 29 को देख लो। यूकेरियोट्स के अंदर प्रीकर्सर ऑफ माइक्रो आरएनए, जिसे हम लोग प्राइम माई आरएनए भी कहते हैं, एंड स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए साई आरएनए आर यूजुअली सिंथेसाइज्ड बाय। देखिए, साई आरएनए की कहानी तो है आर्टिफिशियल की स्टोरी, जहां जीन से कोड होकर के प्राइम माई आरएनए बनता है पॉलीमरेज सेकंड के द्वारा। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो मैसेंजर आरएनए बनाता है वो ये भी काम करता है, और फिर बाद में ड्रोसा पासा मिल करके इसको मॉडिफाई करते हैं, काट पीट करके बाहर निकालते हैं, और बाहर आकर के प्री माई आरएनए और प्रोसेसिंग होने के बाद में डाइसर की वजह से डिफरेंट प्रोटीन से जुड़ करके माई रिस्क कॉम्प्लेक्स बनता है, और ये माई रिस्क कॉम्प्लेक्स वो काम करता है जिसके लिए माई आरएनए जाना जाता है। तो साई आरएनए के अंदर हम लोग बाहर से कोई डबल स्ट्रैंडेड आरएनए सेल के अंदर इंजेक्ट करते हैं आर्टिफिशियल तरीके से, या फिर हो सकता है कोई वायरस वगैरह आ जाए और वायरस का जीनोम आ रहा हो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। फिर सेल के अंदर मौजूद एंजाइम साइटोप्लाज्म में वो एंजाइम इसको पहचानते हैं, कटिंग करते हैं और इससे कॉम्प्लेक्स तैयार करते हैं। तो कटिंग शटिंग की कहानी तो यार हर जगह है, डायसर की स्टोरी यहां भी है, डायसर स्टोरी वहां भी है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि जहां साई आरएनए में हम देखते हैं कि कोई ट्रांसक्रिप्शन की कहानी नहीं हो रही सेल के अंदर, तो माई आरएनए सेल के अंदर जीन मौजूद है न्यूक्लियस में, और उन्हीं जीन से ट्रांसक्राइब होकर बनता है जिसे आरएनए पॉलीमरेज सेकंड बनाते हैं। तो कहने को तो सही मायने में आंसर ये है कि माइक्रो आरएनए के लिए आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है, लेकिन स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए के लिए एज सच कोई स्टोरी नहीं है। बट यहां तो ऐसा नहीं ना, दोनों के लिए जवाब देना है हमें। तो अब दोनों के लिए सोच के देखो कि जब हम आरएनए बना रहे हैं तो एक आरएनए का पक्का पता है कि वो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है। अब अगर एंटीसेंस आरएनए बनाया जा रहा है तो बाहर से जो हम डाल रहे हैं, हम कहीं तो बना रहे होंगे उसको, तो कहीं बनाने के लिए मुझे किसी जीन के अंदर डालना होगा उसको, किसी वेक्टर के अंदर, और वेक्टर को एक्सप्रेस कराने के लिए मुझे आरएनए पॉलीमरेज सेकंड ही चाहिए, अगर यूकेरियोट की बात कर रहा हूं तो मैं। तो दूर से आके पकड़ोगे तो कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर लोगे। आरएनए पॉलीमरेज 1 तो कहीं नहीं आता। आरएनए पॉलीमरेज 1 का काम ये काम नहीं है। आरएनए पॉलीमरेज तो राइबोसोमल आरएनए बनाता है। आरएनए पॉलीमरेज 3 ट्रांसफर आरएनए और 5 राइबोसोमल आरएनए। आरएनए पॉलीमरेज 1 केवल, ये भी बोल जाओ, तो ओनली आरएनए पॉलीमरेज 2 यही एकमात्र बेस्ट ऑप्शन है, और बाकी बात छोड़ो यार, और कितने ऑप्शन में आरएनए पॉलीमरेज सेकंड था। तो जब तुम्हें 4 में से एक पिक करना हो तो तुम वो पिक करोगे जो तुम्हारी नॉलेज में बेस्ट फिट हो रहा हो। अब इसी क्वेश्चन को ले लो। अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए आर एस्कॉर्टेड टू द राइबोसोम बाय द एलोंगेशन फैक्टर। एलोंगेशन वो प्रोसेस है जब राइबोसोम मैसेंजर आरएनए पढ़ना शुरू कर चुके हैं और उनकी ए साइट पर खाली है अभी। यहां पर एक नया ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड को लेकर आएगा जिसे आप बोलते हैं अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए, लेकिन इसको लाने वाला एलोंगेशन फैक्टर है, और ये एलोंगेशन फैक्टर बड़ा कमाल का है क्योंकि ये जी प्रोटीन फैमिली का मेंबर है। ट्रांसलेशन में जितने भी जी प्रोटीन फैमिली के मेंबर हैं वो हमेशा काम आते हैं। जी प्रोटीन फैमिली के मेंबर असल में जीटीपी को सूची तरह इस्तेमाल करते हैं। जब जीटीपी है तो ये एक कन्फर्मेशन में आप एक काम कर रहे हैं, और जब जीटीपी का हार्डलेस हो जाए तो कन्फर्मेशन चेंज हो जाती है और काम करने का तरीका बदल जाता है। सिग्नलिंग में साइटोस्केलेटल सिस्टम के अंदर, ट्रांसलेशन में पता नहीं कहां कहां यार ये जी प्रोटीन नहीं है। इन जी प्रोटीन ने सारी दुनिया छा रखी है, कुछ मोनोमरिक है कुछ ट्राइमरिक, इस केस में ये मोनोमरिक है। अब ये एलोंगेशन फैक्टर का नाम क्या है, यहां नाम नहीं दिया हुआ, लेकिन ये है एलोंगेशन फैक्टर TU। ये फैक्टर है जो इनकमिंग आरएनए को लेके आता है, छोड़ता है जगह पर। अगर बॉन्ड बन गया ठीक ठाक तो इसका जीटीपी का हार्डलेस हो गया, जीडीपी बन गया, और जैसे ये जीडीपी बना तो ये छोड़ करके बाहर निकल आता है। इंडीड ये बार बार रिसाइकिल हो सकता है, लेकिन रिसाइकिल होने के लिए जीडीपी को हटना पड़ेगा, जीटीपी को आना पड़ेगा। इसी के लिए भी दूसरे फैक्टर्स अवेलेबल है। जहां प्रोकैरियोट्स में इसका नाम एलोंगेशन फैक्टर TU है, तो यूकैरियोट्स में से EEF1 अल्फा भी कहते हैं। एलोंगेशन फैक्टर TS
और एलॉन्गेशन फैक्टर जी, ये भी दो प्रोटीन है, इसी कहानी में आते हैं एलॉन्गेशन के अंदर ही। लेकिन इनका काम है कि टीयू के ऊपर लगे हुए जीटीपी जो जीडीपी में कन्वर्ट हो गया था इसे वापस कन्वर्ट कराने में टीएस काम करता है। टीएस असल में एक जीईएफ है। अगर तुमने कभी भी जी प्रोटीन पढ़े हैं तो तुम्हें मालूम होगा जी प्रोटीन में हमेशा तीन नाम आते हैं, जी प्रोटीन खुद प्लस साथ में एक जीईएफ और एक जीएपी। इसलिए हमेशा इन तीनों को देखना होता है कि कौन किसका फंक्शन कर रहा है। तो एलॉन्गेशन फैक्टर जी, इसका काम है ट्रांसलोकेशन करने का, राइबोसोम को एक कोडन खिसकाने का। और एलॉन्गेशन फैक्टर जी केवल एलॉन्गेशन में आता है ऐसा भी नहीं है, यह टर्मिनेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। बैक्टीरिया में नाम कुछ और है और यूकेरियोट्स में नाम कुछ और है, नाम तो हमें दोनों याद होने चाहिए। तो अब तुम्हारे सामने क्वेश्चन वापस आ गया है कि अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए आर एस्कॉर्टेड टू राइबोसोम बाय द एलॉन्गेशन फैक्टर कौन सा? टीयू। टीएस का फंक्शन मालूम है तुम्हें, जी का फंक्शन मालूम है, और ये सबसे पहले वाले इनिशिएटेड ट्रांसफर आरएनए को लेके आने वाला इनिशिएशन फैक्टर है, एलॉन्गेशन भी नहीं बल्कि। अगर यहां आईएफ होता लिखा हुआ तो मैं बोलता। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड मेरा बेस्ट। देखिए जब भी हम कभी नॉलेज को ले रहे होते हैं, किताबों से तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बट यार आज तक बात समझ में नहीं आई कि कहानी क्या थी, यही तो हमारा दर्द है। क्वेश्चन जब आता है सामने तो लगता है यार कहीं से लाइन दिखाई दे रही किताब में, लाइन हमने कहां रट रखी थी। रट्टी हुई लाइनें कभी नहीं आती। इस एग्जाम की खास बात यह है कि ये तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग को चेक करता है। मत भूलो इस एग्जाम का उद्देश्य ये कि वो चेक कर सके कि तुम में साइंटिस्ट बनने की एबिलिटी है या नहीं, या तुम टीचर बन सकते हो या नहीं। इंडीड पढ़ाई को इसी एंगल से लेके आना कि तुम किसी भी एंगल में कभी भी उसको यूज कर सको, ये आई फ्लाई काम है। इसे हम लोग बोलते हैं कि आई फ्लाई एक नेक्स्ट जनरेशन का प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म है, जहां हार्डर बेटर फास्टर और स्ट्रॉन्गर स्टूडेंट्स तैयार किए जाते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो कैसे भी क्वेश्चन आ जाए हार नहीं मानते, उनसे तोड़ देते हैं। जैसे ही तुम्हारा नेट का एग्जाम खत्म होने वाला है जून का, अब दिसंबर का सामने, हर बार यही गलती करते हो कि लास्ट मोमेंट पे आकर के प्रिपरेशन कर रहे हो। जैसे कि अभी भी कुछ लोगों ने अभी जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, तो यार इतनी कम प्रिपरेशन से तुम क्या एक्सपेक्ट करने वाले हो? अगर वाकई में सीरियस हो अपने करियर को लेकर के, तो दिसंबर के लिए अब तैयारी का टाइम शुरू हो चुका है। क्लासेस हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं दिसंबर के लिए भी, 15 मई 2018 से। इसमें दो कोर्सेज होते हैं, 6 महीने के और 5 महीने के। डेडिकेशन पे डिपेंड करता है कि तुम कितना अपना आपको इनपुट करना चाहते हो। अभी जो ज्वाइन करने वाले लोग हैं उनके लिए कुछ टाइम के भी डिस्काउंट हैं, ये तो तुम्हें बाद में मालूम पड़ेगा कॉन्टेक्ट करने पर। लेकिन इन डिस्काउंट की लिमिट है कि 22 मई से पहले पहले, 22 मई के बाद ये टाइम डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है। ये कोर्सेज तुम्हें तैयार करते हैं कि आगे आने वाले क्वेश्चनों के बहुत पहले से तुम सॉल्यूशन समझ जाओ। एग्जाम के लास्ट मोमेंट पर जा करके तुम उम्मीद करते हो कि जंग जीत जाएंगे, हो सकता जीत जाए बट चांस काफी मुश्किल है। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार है, अपने आप से प्यार है, तो यार ये अपने आप को ये बनाना बंद करो कि जो गलती तुम बाबा करते हुए आ रहे हो वही गलती अब भी करोगे और अब दोबारा गड़बड़ नहीं होंगी। गड़बड़ तो हमेशा होंगी यार, अपने आप को चेंज करना पड़ता है। जंग से बहुत पहले से तैयारी करनी शुरू करनी पड़ती है, तब जाकर के हम इस लायक बनते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम जीत जाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि किसी काम में कोई गुंजाइश ना छोड़े कि कुछ गलत हो जाए, तो फिर तैयारी हमें टाइम से करनी पड़ती है। इसलिए ये आइडियल टाइम है दिसंबर 2018 की तैयारी को शुरू करने का। क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9013902981। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो भाई शेयर करना मत भूलना, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं कराया तो। शेयर करो जहां तुम्हारा मन करे, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, गूगल प्लस पर, जो भी प्लेटफॉर्म तुम चाहो। और मत भूलो यार आई फ्लाई का साथ, तो फिर घबराने की बात। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। मैं